प्रिय परमेश्वर की अद्भुत शांति आपके जीवन में राज करे। और आज हम वचन से देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद जी। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इसराइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इसराइलियों को नहीं जाने दूंगा। जी मेरे प्रिय, हम यहाँ पे देखते हैं कि मूसा और हारून जो है वो परमेश्वर की इच्छा में और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार फिरौन के पास में आते हैं और फिरौन के पास में परमेश्वर का संदेश उसको दे देते हैं। क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, जब हम लोगों को पाते हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, भले उनको कोई भी कीमत उसके लिए क्यों ना चुकानी पड़े। कितनी खूबसूरत बात होती है जब हम लोगों को परमेश्वर को आदर और महिमा देते हुए हम देखते हैं। मूसा और हारून जो है वो फिरौन के पास में आते हैं और फिरौन से कहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम मेरे लोगों को जाने दो। और फिरौन किस तरीके से बात करता है, उस समय में क्या लिखा हुआ है? फिरौन ने कहा यहोवा कौन है? यहोवा कौन है? कौन है? Who is the Lord? परमेश्वर कौन है कि मैं उसका वचन मानकर, मैं उसकी आज्ञा मानूं? Who is the Lord? परमेश्वर कौन है कि मैं उसकी आज्ञा मान करके इसराइलियों को जाने दूं? परमेश्वर कौन है? मैं यहाँ पे आकर के रुका, मैं यहाँ पे रुक गया और मैं ये सोचने लगा कि कितना घमंड है जिस परमेश्वर ने इसको बनाया, जिस परमेश्वर ने इसको राजा बनाया, जिस परमेश्वर ने इसको इतनी ढेर सारी आशीषें दी, आज ये उसका इनकार कर रहा है, आज ये उसको जानता ही नहीं है। मेरे प्रिय, ये फिरौन है, ये राजा है, संसार का सबसे महत्वपूर्ण जन है। He is the most important person of his time. ये अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण जन है और ऐश और आराम के साथ में अपनी जिंदगी को बिता रहा है। ढेर सारी इज्जत इसके पास में, ढेर सारा रुपया पैसा और सम्मान इसके पास में, ढेर सारी आशीषें हैं जिसके पास में है। मेरे प्रियो, ये भी हो सकता था कि ये जन जो था ये गरीब पैदा होता, ये बीमार पैदा होता, ये अंधा लूला या ये लंगड़ा होता या ये भिखारी होता, पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसको ये प्रिविलेज दिया कि ये राजा होने पर परमेश्वर ने इसके ऊपर अनुग्रह किया और इसको राजा बनाया। और हम देखते हैं कि ये परमेश्वर को ही नहीं जानता, ये परमेश्वर को ही नहीं जानता और ये कह रहे कौन है परमेश्वर जो मैं उसको जानूं और कौन है परमेश्वर जो मैं उसकी आज्ञा को मानूं। कितना घमंड है इसके अंदर, कितना घमंड इसके अंदर। मेरे प्रियो, कई बार हम भी ऐसे ही होते हैं, अपनी दुनिया में, अपनी चीजों में, अपने संसार में मगन है। कौन है परमेश्वर, क्या है उसकी इच्छा, वो हमसे क्या चाहता है, वो हमसे क्या नहीं चाहता, हम उससे बेखबर होते हैं, हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते और ना ही जानना मांगते, ना ही हम खोजना मांगते कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उसकी इच्छा हमारे जीवन में क्या है। अपनी चीजों में, अपनी आशीषों में मगन है और जो बातें हमको अपने जीवन में नहीं मिलती हम उसके लिए परमेश्वर को दोष देते हैं, परमेश्वर को हल्ला करते हैं, परमेश्वर आपने ये चीजें हमको क्यों नहीं दी और आपने ऐसा हमारे साथ में क्यों किया। मेरे प्रिय, आप अपने नीचे के लोगों को देखें और आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। ऐसा भी हो सकता था कि हम शायद वो होते, ऐसा भी हो सकता था कि हम शायद वो होते, पर परमेश्वर का धन्यवाद उसने हमको जहां कहीं भी रखा है और जिन आशीषों में उसने हमको आशीषित किया है। मेरे प्रिय, सबसे पहली चीज जो हमको जान लेनी है और वो ये कि वो कौन परमेश्वर है जिसने हमको बनाया है, वो कौन परमेश्वर है जो कि हमको संभालता है और वो कौन परमेश्वर है जो हमारा न्याय करेगा। कौन वो परमेश्वर है जिसने हमको बनाया है, कौन वो परमेश्वर है जो हमको संभालता है, कौन वो परमेश्वर जिसके सामने एक दिन हमको न्याय के लिए जा करके खड़े होना है, जाके खड़े होना है। मेरे प्रिय, हम arrogantly, हम घमंड में होकर के कह सकते हैं कौन परमेश्वर है और मैं उसकी आज्ञा क्यों मानूं। कई बार अपनी जिंदगी को हम ऐसे ही बताते हैं, कई बार अपनी चीजों को हम ऐसे लेके चलते हैं, कौन है परमेश्वर, हम नहीं जानते,
हम नहीं पहचानते उसको। मेरे प्रियो, सबसे पहली चीज जो हमको जान लेना है और वो ये कि परमेश्वर कौन है जिसने हमको बनाया, जिसने हमको संसार में रखा है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देता है, और जिसके सामने हमको एक दिन जाके खड़े होना है, और जो हमारा न्याय करेगा। हमें जान लेना उस परमेश्वर को जो कि आसमान को छोड़ के धरती पे हमारे लिए आ गया, जिसने हमारे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान को दिया ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करने पाए। हमें जान लेना है उस परमेश्वर को। ये जिन यहाँ पे कह रहा है कौन है परमेश्वर, फिर से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ वर्स नंबर 2 में। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मान कर इस्राएलियों को जाने दूं। मैं यहोवा को नहीं जानता। जब मूसा और हारून इस जन के पास में आ रहे हैं और इसको परमेश्वर की आज्ञा बता रहे, उसके बावजूद ही कह रहा है कौन है परमेश्वर, मैं नहीं जानता और मैं उसकी आज्ञा को नहीं मानता और मैं उसकी आज्ञा को नहीं मानूंगा। ये ना कई बार ऐसे ही होता है कि हम परमेश्वर को नहीं जानते, पर परमेश्वर हमारे पर अनुग्रह करते, अपने लोगों को हमारे पास में भेजते, अपनी गवाहियों को हमारे पास में भेजते, अपनी मोहब्बत को हमारे पास में भेजते, ये मौका देते हैं कि हम उसको जानने पाए और उसको पहचानने पाए। पर कई बार हम उसको इनकार कर देते और हम कहते परमेश्वर हम आपको नहीं जानना मांगते, हम आपको नहीं जानना मांगते और हम आपकी इच्छा को पूरा नहीं करना मांगते। हम वो चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप हमारे जीवन में वो करें जो हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए करें। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर अनुग्रह करते हैं और हमारे लिए क्या बेहतर है वो हमको बताते, अपनी इच्छा को हमारे ऊपर जाहिर करते, अपने आप को हमारे ऊपर जाहिर करते, पर कई बार हम उसका इनकार करते हैं, कई बार हम उसका इनकार करते और हम कहते नहीं, हम परमेश्वर को नहीं जानते और हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, हम इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे, ये बातें बुरी हैं, ये बातें गलत हैं, पर ये हमको पसंद है और हम तो यही करेंगे। हम जानते हैं कि ये बातें गलत हैं और हमको नहीं करना चाहिए और इन बातों के साथ में एक दिन हमको परमेश्वर के सामने न्याय में खड़ा होना होगा, पर हमको पसंद है, हमको अच्छा लगता है और इसलिए हम इन्हीं बातों में कंटिन्यू करेंगे। और कई बार हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए भी हम उसका इनकार कर देते हैं और हम कहते हैं नहीं, हम आपकी इच्छा को नहीं मानेंगे, हम आपकी इच्छा को नहीं मानेंगे। मेरे प्रिय, आप चुन सकते हैं इस बात को कि आप आज्ञाकारी होंगे या आप आज्ञाकारी नहीं होंगे। अगर हम चुनते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हमारा हशर भी वही होगा जो बाकी आज्ञा ना मानने वाले लोगों का होने पाया। जैसे उनके पांव पर परमेश्वर का न्याय उतरा वैसे हमारे ऊपर भी उतर सकता है, और जैसे वो परमेश्वर की निगाह से हमेशा के लिए दूर हो गए, हम भी परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। आप देखें फिरौन की कहानी को, आप आगे पढ़ें और आप देखें कितनी ढेर सारी विपत्तियां मिस्र देश में आने पाए और अंत में यहां तक के होने पाया कि फिरौन का भी पहला उठा बेटा मर गया और फिरौन की सेना जो थी वो हम देखते हैं लाल समुद्र में डूब करके वो मर नहीं पाई। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते, नहीं जानना मांगते, और यदि जाहिर हमारे पर होती है तो हम उसकी आज्ञा को मानना नहीं। मेरे पे ये गंभीर बात हो सकती है। सबसे पहली चीज जो आपको जान लेना है और वो ये कि किसने आपको बनाया है, कौन आपको संभालता है और किसके सामने आपको एक दिन न्याय के लिए खड़े होना है। कौन वो परमेश्वर है जिसने आपसे इतनी मोहब्बत की कि उसने आसमान को छोड़ के वो जमीन पे आ गया और आपके लिए क्रूस के ऊपर वो बलिदान हो गया ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा आप जीवन को प्राप्त करने पाए, आप जीवन को प्राप्त करने पाए। मेरे प्रियो, हम इन एरोगेंट लोगों की तरीके से, हम इन घमंडियों की तरीके से ना होने पाए जो कहने पाए कौन है परमेश्वर, मैं उसकी इच्छा को नहीं मानूंगा, होने पाए मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर को जानने वाले लोग होने पाए, उसको पहचानने वाले लोग होने पाए और उसकी आज्ञा के ऊपर चलने वाले लोग होने पाए। प्रभु आपको आशीष दें, गॉड ब्लेस यू। हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन के हर एक मौकों का लाभ उठाना चाहते हैं प्रभु, और जबकि हम बहुत सारी बातों को जानते हैं जिनसे कोई लाभ नहीं, और आज हम आपसे ये इच्छा करना चाहते हैं प्रभु, आप हम सबको अपने बारे में, अपने विषय के ज्ञान से
अपने ज्ञान से हमें भर दें, होने पाए हम ये जानने पाए कि आपकी दृष्टि में कौन सी बातें सुहावनी हैं, कौन सी बातें मन भावनी हैं, कौन सी बातें मनोहर हैं, कौन सी बातें पवित्र हैं। आप मदद करें प्रभु, क्योंकि आपकी आपको जो बातें भाती हैं वही हमें जीवन देती हैं, आपको जो बातें भाती हैं वही हमको छुटकारा देती हैं और अगले स्तर पे लेके जाती हैं। प्रभु हम सबकी मदद करें और अपनी बातों से, अपने ज्ञान से भर दे, अपने अपने प्रकाश से हमको ज्योतिर्मय करें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की।